माहे सयाम से एक दिन कबल और ईद के दिन हम एक जैसे होते हैं। जहां हम रमजान से एक दिन पहले खड़े थे, ईद के दिन भी हम वहीं खड़े होते हैं। तो फिर एक महीना इतनी तवील मेहनत की और मुशक्कत उठाई, भूख और प्यास काटी, तो फिर क्या फायदा हुआ? आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे दवाई लेते हैं और महीना भर उसको इस्तेमाल करते हैं और महीने के बाद आप टेस्ट करवाते हैं तो जहां थी बीमारी वहां की वहां रही। तो फिर दो बातें हैं, या तो डॉक्टर ने दवा ठीक नहीं दी या फिर आपने दवाई के साथ परहेज नहीं किया और जहां थे वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे तो वो कहेगा, जनाब इस बीमारी से निजात तो एक महीने के कोर्स से हो जाता था, तो आपको आराम क्यों नहीं आया, आपने परहेज नहीं किया। तो आप उसको कहेंगे, जनाब हम दोबारा मुझे एक कोर्स और करवा दे, लेकिन परहेज मैंने फिर भी नहीं करना। तो डॉक्टर कहेगा कि नहीं जनाब छुट्टी करो, अगर दवाई लेनी है तो उसके साथ जो एहतियाती तदाबीर मैं बताऊंगा उनको इख्तियार करना होगा। लेकिन अगर कोई शख्स फिर दूसरा महीना खाता है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करता और फिर डॉक्टर के पास जा कहता जनाब आराम नहीं आया, तो डॉक्टर फिर उसको कहे चलो दोबारा ले लो, तो वो तीसरे महीने भी खाए, चौथे महीने भी खाए, सारी जिंदगी भी खाता रहे, एहतियाती तदाबीर नहीं करेगा तो जहां सेहत थी वही की वही रहेगी। माहे सयाम आया, पूरा महीना दवाई ली और ईद के दिन जब टेस्ट करवाया तो जहां थे वही खड़े थे। या तो फिर दवाई ठीक नहीं है, मेरे रब की दवाई किस तरह ठीक नहीं हो सकती? जब उसने कहा है लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोजे रखो मैं जमानत देता हूं तुम्हें तकवा मिलेगा, तो फिर तकवा नहीं मिला है तो फिर हमने रोजे की एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं किया है और इतनी तवील मसाफत काटी है, मुशक्कत काटी है, भूख काटी है, प्यास काटी है। लेकिन अगले साल हम फिर आए तो हम फिर उसी तरह वो मुशक्कत काटने लगे और एहतियाती तदाबीर हमने फिर इख्तियार नहीं की। तो साहिबो ये माह सयाम जिंदगी में एक बात फिर आया है, इसको एहतियाती तदाबीर के साथ गुजारो। मल्लम यदा कौल जूर वला अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी यदा तामहु व शराबहु, कहा जो झूठ और झूठे उमूर और काम नहीं छोड़ता उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत रब को नहीं है। वो रोजे के जरिए से तुम्हारी तहजीब नफ्स करना चाहता है, तुम्हारे मन को संवारना चाहता है, तुम्हारे अंदर की गलासतें दूर करना चाहता है, लेकिन तुम उसको एहतियाती तदाबीर के साथ लेने के लिए आमादा नहीं हो। तो काटते रहो, हर साल मुशक्कत काटते रहो, 40 साल 45 साल 50 साल हो गए रोजे रखते, हर साल ये होता है कि 29 शाबान को जहां खड़े होते हैं यकम शाबान को भी वही खड़े होते हैं, तो फिर क्या फायदा इतनी मुशक्कत उठाने का? तो माहे सयाम जिंदगी में हमें एक बार मिला है, एक बार जरा इसको एहतियाती तदाबीर के साथ गुजार के देखिए तो आप देखेंगे कि ये रोजा किस तरह मन के अंदर रोशनियां डाल देता है और किस कदर तकवे का नूर नसीब होता है। तो जिंदगी में इस माहे नूर माहे सयाम रमजानुल मुबारक को पूरी एहतियात के साथ, पूरे हिज्म के साथ और जो बताए गए उसूल व ज़वाबत है उनके साथ गुजारिए। आंखों पे भी पहरा बैठाइए, ख्यालों पे भी पहरा बैठाइए, सोचों को भी आवारा ना होने दीजिए, रिस्क भी पाक लीजिए और जुबान पर भी कोई ऐसा जुमला ना आने पाए जो रब की नाराजगी का सबब हो। ख्याल भी ना भटके, नजर भी ना बहके और एक एक अमल जिंदगी का खूबसूरत हो, मुनज्जम हो, मुरतब हो और उधर 30 रोजों की भूख हो और फिर नतीजा क्या होगा? मेरे रब ने वादा दिया है लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें तकवे का नूर नसीब हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी एक अजीब कैफियत में ढल जाएगी अगर तुम रोजे को उसकी हकीकत के साथ गुजारोगे।